हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ मानसी तुरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो रिसेंटली हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। जो मैंने पोल क्रिएट किया था उसी के वोटिंग के अकॉर्डिंग ही मैं नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करवाऊंगी। इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे जो कि अलग चीज़ों से जुड़े होंगे, लाइक फिर चाहे वो अवेयरनेस से जुड़े टॉपिक्स हो या बाकी के करंट टॉपिक्स, जिससे आपकी नॉलेज जो है इन्हांस होगी। मैं कोशिश करूँगी कि इस तरीके की वीडियोज़ भी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। सो आज जो सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग पर और नेचर पर। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो लोग पहले किस तरीके की लाइफ जीते थे? नोमैडिक लाइफ जीते थे। बहुत ही ज़्यादा उन्हें उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी होती थी। किस तरीके की लाइफ जीते थे? नोमैडिक मतलब होता है खानाबदोश, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। लाइफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखों से भरी हुई होती थी। अब सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता था। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर अब ह्यूमंस ने क्या सोचा कि उन्हें एक जगह अब ठहर जाना चाहिए। ठीक है, इसी के चलते उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत महसूस होने लगी? लोक प्रशासन की, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो इसी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ। इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा शुरुआती काल है। उसमें लोक प्रशासन का जो काम था वो किस तरीके का था? सिर्फ आपसी झगड़े सुलझाना, अपराध को रोकना और शांति लेकर आना। ठीक है, ये सभी काम जो थे लोक प्रशासन के अंदर आते थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत इन्हीं ऑब्जेक्टिव के लिए हुई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में लोक प्रशासन जो था वो बहुत ही छोटा था। नए काम आते गए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो शेप है वो बढ़ता चला गया। सो अगर हम बात करें मॉडर्न सोसाइटी की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन चुकी है। ये हर किसी की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो लोक प्रशासन को जिन कामों के लिए लेकर आया गया था उनमें अब क्या है, अब ग्रोथ होने शुरू हो गई। अब काम जो है वो बढ़ता जा रहा है हर तरीके का। इसी वजह से आज के स्टेट को क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा जाता है, यानी कि प्रशासी राज्य कहा जाता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच का डोमिनेंट होता है और इसी के साथ साथ लेजिस्लेचर और जुडिशियरी भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, सो अगर हम आज की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन लाइफ की एक बहुत सी ज़रूरतों को देखता है, जैसे कि एजुकेशन से जुड़ा हो, हेल्थ से जुड़ा हो, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हो, सोशल सिक्योरिटी अगर हम बात करें, ये जितनी भी तरीके की ज़रूरतें हैं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा करता है। ठीक है, सो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये सब्जेक्ट है ये कहाँ पर आया था? ये शुरुआत इसकी कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान देना है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका में ही हुई थी। राइट, उस वक्त जो है वहाँ पे हर एक जगह पे किसी न किसी तरीके से ये सामने आ रहा था, और इस शब्द का जो इस्तेमाल है सबसे पहले 17th century में यूरोप में शुरू हुआ। सो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनाइटेड वर्ड होता है जो दो शब्द यानी कि पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर बना है। ठीक है, लोक यानी कि पब्लिक, यानी कि जो मुद्दे लोगों से जुड़े होते हैं, उनके वेलफेयर से जुड़े होते हैं। ठीक है, सो प्रशासन की अगर हम बात करें तो ये स्टेट के कामों को पूरा करना इसका काम होता है। प्रशासन क्या करता है? जितने भी स्टेट से जुड़े काम होते हैं वो उसको पूरा करता है। ठीक है, लोक प्रशासन से मतलब क्या होता है कि जितनी भी ह्यूमन से जुड़ी ज़रूरतें होती हैं और जितनी भी ज़रूरतें हो, फिर चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हो या एजुकेशन से जुड़ी हो, फिर चाहे वो किसी भी तरीके के वेलफेयर से जुड़ी हो, ये सभी चीज़ों को पूरा करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। यानी कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती है इन्हें सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है लेकर आता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आता है। नेक्स्ट, अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। देखो, एलडी वाइट सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो सभी काम आते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव पब्लिक पॉलिसीज़ को पूरा करना या उन्हें लागू करना होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे फिफनर क्या कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जनता का सहयोग लेकर और गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं उनको ऑपरेट करना होता है। ई एन ग्लेडन के वर्ड्स में ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत से मायनों में इसकी डेफिनेशन करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट के बदलते हुए कामों के रेफरेंस में ही इसे समझा जाता है, यानी कि जैसे जैसे गवर्नमेंट के काम बदलते हैं उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के भी काम दिखने लग जाते हैं। तो इसको इसकी एक डेफिनेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा किसका माना है? ई एन ग्लेडन का। ओके, अब हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर की। इसे समझने के लिए हमें दो पर्सपेक्टिव यहाँ पे समझने होंगे। सबसे पहले इंटीग्रल व्यू, सेकंड हमें समझना है मैनेजरियल व्यू। इंटीग्रल व्यू में हम देखेंगे कि इनके सपोर्टर्स का क्या मानना है कि इनके अकॉर्डिंग किसी भी निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए
ट्रांसेक्टेड किए जाने वाले प्रोसीड्यूर्स का मैचुरलाइजेशन या योगी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वे किसी भी तरीके की राइटिंग या टेक्निकल मैनेजमेंट से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो। इसके जो सपोर्टर हैं वो कौन कौन से हैं, फिफनर है, एफ एम मार्क्स है, एल डी वाइट है, ये इनके सपोर्टर रहे हैं, ये इंटीग्रल व्यू के सपोर्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्यू की हम बात कर लेते हैं, मैनेजेरियल व्यू। देखो इसमें जो है बेसिकली क्या माना जाता है कि ये क्या होता है, लिमिटेड है, केवल उन्हीं लोगों के लिए कामों को प्रशासन मानता है जो कि प्रेल्यूसिव एडमिनिस्ट्रेशन काम को ही पूरा करते हैं। ठीक है, प्रेल्यूसिव मतलब होता है उपक्रम संबंधी। ठीक है, तो इसके सपोर्टर कौन कौन है, इनके सपोर्टर है लूथर गुलिक, साइमन स्मिथबर्ग और थॉम्सन, ये सभी इनके सपोर्टर हैं। सो लूथर गुलिक यहाँ पे क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो संबंध होता है वो उस तरीके के काम को पूरा करना होता है जिन ऑब्जेक्टिव को उन्हें करना होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो अगर हम इसे देखें, इसे ब्रीफ में अगर हम देखने की कोशिश करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किस तरीके से बात की है लूथर गुलिक ने, किस टेक्निक के थ्रू समझाने की कोशिश की है, एक वर्ड उन्होंने यहाँ पे दिया है, वो दिया है पोस्ट कॉर्ब, POSDCORB, इसके थ्रू समझाने की कोशिश की है। ठीक है, जिसका हर एक वर्ड जो है अलग अलग टेक्निक, अलग अलग तकनीक को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता है। सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग का क्या मतलब होता है, योजना बनाना, कोई भी चीज़ प्लान करना। नेक्स्ट वर्ड है ओ, यानी कि किसी भी चीज़ को जोड़ना, संगठित करना। थर्ड वर्ड है स्टाफिंग, यानी कि एम्प्लॉयज़ को रखना, उनकी नियुक्ति करना। फोर्थ है डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन करना। फिफ्थ है कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि समन्वय करना। फिर आता है रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्ट्स देना, प्रतिवेदन करना। फिर आता है बजटिंग, यानी कि बजट करना। ठीक है, जो भी चीज़ें रहेंगी बजट से जुड़ी हुई, राइट। तो ये है पोस्ट कॉर्ब, ये आपको याद रखना है, किसने दिया है, लूथर गुलिक ने। समझाने की कोशिश की है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और हर एक वर्ड में इस तरीके से उन्होंने मतलब समझाने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। सो इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है लूथर गुलिक के बारे में, जो उन्होंने वर्ड दिया है पोस्ट कॉर्प के बारे में, और साथ ही साथ वो किस व्यू के सपोर्टर हैं, मैनेजेरियल व्यू के। ओके, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो आप मुझसे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।